कक्षा 11 की जो ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं उसमें हिंदी विषय के तहत आप कबीरदास पढ़ रहे हैं। कबीरदास में आप साखी टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब जो है हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो पदावली है, और पदावली का ये दूसरा भाग है। इस भाग में, पहले भाग में जो कबीरदास जी हैं उन्होंने आत्मा परमात्मा के संबंध में बात की। आत्मा को प्रियतमा समझते हैं। जहाँ भी आत्मा परमात्मा के विषय में बात आती है, प्रिय और प्रियतम के बात आती है, तो वो आत्मा को प्रियतमा और परमात्मा को अपना प्रियतम समझते हैं। तो उम्मीद है उसका अर्थ आपकी समझ में आया होगा। अब दूसरा पद जो है वो पढ़ेंगे। अगर इसका छंद की बात करें इसमें, तो छंद जो है गेय पद कहा जाता है। इस छंद का नाम है गेय पद, गाया जाने योग्य जो पद है वो गेय पद कहा जाता है। तो इसमें आप देखेंगे, तो सबसे पहले आप ये समझ लें इसको पढ़ने से पहले, कबीरदास जी अधिकतर प्रतीकात्मक भाषा का उन्होंने बहुधा प्रयोग किया है। और इसमें आंधी आपने देखा होगा, आंधी का रूप, विकराल रूप आपने देखा होगा। जब आंधी आती है तो उस इंसान को आप सोचिए जिसने अपना घर जो है छप्पर से बनाया है और चारों तरफ टटिया लगी हुई हैं, तो उसी के अंदर वो रहता है, उसी में बर्तन वगैरह अपना जो भी सामान है वो भी रखता है। तो जब आंधी आती है तो आंधी आने से जो टटिया हैं वो सब उड़ जाती हैं। बहुत तेज आंधी आती है तो टटिया वटिया सब फाड़ करके वायु जो अपने बेग से उड़ा देती है, और जो थुनिया लगी होती हैं वो भी टूट जाती हैं, और जब थुनिया टूटेंगी तो छप्पर भी गिर जाएगा, और जो ऊपर सहतीर या इस प्रकार से जो लगा होता है बल्ली जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो भी टूट जाती है। और जब छप्पर गिरेगा तो निश्चित रूप से जो बर्तन है वो भी टूट फूट जाते हैं। तो यहाँ पर जो आंधी आई है वो ज्ञान की है। अब आप ज्ञान के संबंध में समझ लें कि जब ज्ञान की आंधी आती है, यानी जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है, जब मनुष्य ज्ञानी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके जितने भी भ्रम हैं वो सब दूर हो जाते हैं, सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं। उसके अंदर का अहंकार, लोगों से मोह माया, ये पैसा हमारा, ये जमीन जायदाद हमारी है, ये सारी चीजें उसके दिमाग से हट जाती हैं। छल कपट प्रपंच आदि भी से वो दूर हो जाता है। तो उस आंधी की तुलना, जो साधारण आंधी है वायु है, उसकी तुलना ज्ञान से की है। ज्ञान आंधी को जो है ज्ञान का प्रतीक बनाया है। तो आंधी आने से क्या क्या नुकसान होता है, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, और इसे ज्ञान उत्पन्न होने से क्या क्या परिवर्तन होता है मनुष्य में, तो इस विषय पर ये इस छंद में गेय पद में बात करेंगे। तो देखें क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। हे सज्जनों, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। ज्ञान की आंधी आने का मतलब है ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। भ्रम की टाटी सबै उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। तो ज्ञान रूपी आंधी आने से भ्रम रूपी सभी टटिया उड़ गई हैं। ज्ञान रूपी आंधी आने से भ्रम रूपी, भ्रम की टाटी, भ्रम रूपी सभी टटिया उड़ गई हैं, और माया रूपी रस्सी भी टूट गई है। भाई, टटिया बांधने के लिए रस्सी का प्रयोग करते हैं, तो माया, मनुष्य की जो अंदर की माया है, मोह माया है, वो तो माया रूपी जो रस्सी है वो भी बांधी नहीं रह सकी, यानी वो भी टूट गई। और दुचिते की दुई थुनी गिरानी, दुचिते, दुचिते माने दुविधा, और उस ज्ञान रूपी आंधी आने से दुविधा की रूपी जो दो थुनिया लगी हुई थी वो भी गिरानी, गिर गई हैं। जो दुविधा रूपी दो थुनिया थी वो भी गिर गई हैं। और मोह बलिंडा टूटा, और जो मोह रूपी सहती लगी हुई थी, छप्पर इस प्रकार से रखा हुआ ऐसे, और ऊपर एक बल्ली मोटी रखी जाती है, उसी पे दोनों तरफ छप्पर रखे जाते हैं, ठीक। तो मोह रूपी जो सहतीर थी, मोह रूपी जो बल्ली थी, वो भी टूट गई। अब जब बल्ली टूट जाएगी तो क्या होगा, तृष्णा छान परी घरी ऊपर, तो तृष्णा रूपी जो छप्पर था वह भी नीचे ढह गया, गिर गया। तृष्णा रूपी, प्यास रूपी, हमारे अंदर बड़ी कामनाएं होती, बड़ी इच्छाएं होती हैं, तो इच्छाओं रूपी जो छप्पर था वह भी गिर गया, और कुबुद्धि का भांडा फूटा, और कुबुद्धि रूपी जो नीचे बर्तन थे
वो भी टूट फूट गए। कुबुद्धि का भाटा, जब छप्पर गिरेगा तो बर्तन टूट जाएंगे, तो बर्तन किसका प्रतीक? कुबुद्धि का, दुर्बुद्धि का, गलत सोच का। ठीक, तो कुबुद्धि रूपी जो बर्तन थे, नीचे भांडा थे, वो सब टूट फूट गए। और क्या हुआ? जब इतना हो गया सब कुछ, जब आंधी आई, आंधी आने से ज्ञान रूपी आंधी आई, ज्ञान रूपी आंधी आने से ब्रह्म रूपी सभी टटियां उड़ गई और माया रूपी रस्सी भी बांधी ना रह सकी, माया रूपी रस्सी भी टूट गई। और जो हमारे अंदर दुविधा, दुविधा आप नहीं समझते होंगे तो आपको समझा देने, दुविधा ये चीज जैसे साधारण भाषा में आप समझे कि जैसे कहीं आपको जाना है, आपको मार्ग नहीं पता है, तो ऐसा कभी कभी होता है कि एक जगह पर हम खड़े हो जाते हैं आकर के, जहाँ पर दो रास्ते या तीन रास्ते आपको दिखाई देते, तब हमारे दिमाग में ये नहीं समझ में आता कि इस रास्ते से जाएं तो अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे, इस रास्ते से जाएं तो अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। इसी प्रकार की बहुत सारी दुविधाएँ होती हैं हमारे अंदर। तो आप समझ गए होंगे उम्मीद है कि दुविधा क्या होती है। दुविधा का मतलब है एक लक्ष्य के लिए जब हम दो बातें सोचते हैं और ये भी लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, हम समझ नहीं पाते कि कौन सी चीज दोनों में से सही है, तो ऐसी स्थिति को दुविधा कहते हैं। जैसे अब कभी और देहाती भाषा में समझे, देहात के लोग, जैसे बादल घिर आते हैं तो कभी हम कहते हैं कि पिपरमिंट काट लें और कभी हम सोचते हैं कि ना काटें, पानी बरसने लगेगा। तो इस ऊहापोह जो बनी रहती है उसी को हम दुविधा कहते हैं। एक बात के लिए जब हमारे अंदर दो बातें जन्म लेती हैं, ये करें या ये ना करें, या ऐसा करें तो ठीक होगा या ऐसा करें तो ठीक होगा, उसी को दुविधा कहते हैं। तो दुविधा रूपी जो दो थुनिया थी वो भी गिर गई और उनके गिरने से जो मोह रूपी बलिंडा था, जो मोह रूपी सहतीर थी, जो बल्ली थी, वो भी टूटकर गिर गई। उसके टूटने के साथ ही तृष्णा रूपी, प्यास रूपी, इच्छाओं रूपी जो छप्पर था वो घर के ऊपर आकर गिर गया, नीचे ढह गया, और जिससे उसके नीचे कुबुद्धि रूपी जो बर्तन रखे हुए थे, दुर्बुद्धि रूपी जो बर्तन रखे हुए थे, वो भी टूट फूट गए। तो ये आंधी आने से हुआ। अब क्या हुआ कि जोग जुगत कर संतो बांधी। आप ये भी जानते हैं कि जब छप्पर गिर जाता है किसी का तो फिर नया निर्माण करता है। जब भी कोई चीज पुरानी हो जाती, टूट फूट जाती है, किसी वजह से नष्ट हो जाती है, तो हम हाथ में हाथ रखे बैठे नहीं रहते, मनुष्य अपना नया निर्माण करता है। तो जब ज्ञान आया तो अब ज्ञान रूपी जो है छप्पर छाया जाएगा। तो देखिए क्या कहा कि जोग जुगत, योग, योग साधना की युक्तियों के द्वारा संतों ने ज्ञान रूपी छप्पर छा दिया, ठीक है। और निर्चु चुए न पानी, अब विषय विकार रूपी जो पानी है इसमें नीचे चू नहीं सकता। जब नया छप्पर आता है, जब नया छप्पर बन जाता है, पुराने छप्पर में हमने देखा होगा जब पानी बरसने लगता है तो नीचे टप 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 करने लगता है, लेकिन नया छप्पर में नीचे पानी नहीं गिरता। तो निर्चु चुए न पानी, पानी माने पानी, नीचे पानी नहीं चू सकता। काहे का पानी है, काहे का प्रतीक है विषय विकार रूपी, जो विभिन्न प्रकार के विषय होते हैं, इच्छाएं होती हैं हमारी, ठीक है, जिसमें हम रमे रहते हैं। तो उसका विषय विकार रूपी जो पानी है अब इस ज्ञान रूपी छप्पर के नीचे चू नहीं सकता। कूड़ कपट काया का निकसा हर की गति जब जानी, जब हर के भक्त, परमात्मा के भक्त ने परमात्मा की दशा, परमात्मा की स्थिति के विषय में, परमात्मा के स्वरूप के विषय में जाना, उसको ज्ञान हुआ, तो उसके अंदर कूड़ा करकट, कूड़ कपट, कपट रूपी जो कूड़ा करकट था वो भी समाप्त हो गया, वो भी काया से निकल गया बाहर। आप जानते हैं छप्पर जब गिर जाता है तो नीचे बहुत सारा कूड़ा करकट हो जाता है, तो उसको आप जो है एक स्थान पर डाल देते हैं। तो कूड़ा रूपी जो कपट रूपी जो कूड़ा था वो भी शरीर से निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरी जन्मे न, जब आंधी आती है, आंधी समाप्त हो जाती है, हवा कम हो जाती है, तो बहुत पानी बरसता है, तो उसके विषय में कहा कि आंधी पीछे, आंधी के बाद जो जल बूठा, बूठा का मतलब बरसा, तो जो जल बरसा कैसा जल है? ईश्वरी प्रेम रूपी। जब ज्ञान हो जाता है तो हमें ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, ऐसा मानना जाता है। तो आंधी के बाद में जो ईश्वरी प्रेम रूपी जल बरसा, उस जल की वर्षा में प्रेम हरी जन भीना, ईश्वर से प्रेम करने वाला मनुष्य भीना, यानी भीग गया, भीना माने भीग गया, ईश्वर से प्रेम करने वाला मनुष्य जो है वो भीग गया, हर्षित हो गया, प्रसन्न हो गया। और कहें कबीर भान के प्रगटे उदित भयातम सेना। कबीरदास जी के शब्दों में कबीरदास जी कहते हैं
कि ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने पर, ज्ञान रूपी सूर्य के उदित होने पर, तम जो है अंधकार रूपी जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है वो सीना समाप्त हो गया, अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। जैसे सूर्य के उदित होने पर गहन अंधकार समाप्त हो जाता है, ठीक इसी प्रकार ज्ञान के उदित होने पर अज्ञान हमारा समाप्त हो जाता है और हम ईश्वर के विषय में जान जाते हैं। तो ये साधारण भाषा में अगर इस प्रकार से आप समझेंगे इसको तो बहुत आसान है, और अन्यथा फिर आपके